और महाराष्ट्र बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में पहला नाम डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है, जिन्हें पार्टी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से कैंडिडेट बनाया है। तो प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले कमाठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर राहुल नावड़ेकर कुलावा सीट से, तो घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को कैंडिडेट बनाया गया है। एक तरफ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अब भी तकरार है। कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी से उद्धव ठाकरे काफी परेशान हैं और उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए आज अपनी पहली लिस्ट निकालने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र बीजेपी की पहले लिस्ट जारी, अघाड़ी में टेंशन भारी। महायुति का टारगेट सेट, अघाड़ी में मीटिंग और अल्टीमेटम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 कैंडिडेट्स की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। टीम मोदी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावन कुले बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। कोलाबा से राहुल नार्वेकर, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार को बांद्रा वेस्ट से टिकट मिला है, तो मलाड वेस्ट से आशीष शेलार के बड़े भाई विनोद शेलार को टिकट मिला है। अशोक चव्हाण की बेटी जया अशोक चव्हाण को भोकर से उम्मीदवार बनाया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह साहब और देवेंद्र फडणवीस जी का मन से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की ये एक मौका दिया है। कुलाबा की जनता कुलाबा के स्थानिक उम्मीदवार के साथ रहेगी। कुलाबा की जनता ये विकास करने वाले व्यक्ति के साथ रहेगी। कुलाबा की जनता उसके साथ रहेगी जो दिन में 5 बार दिखता है, 5 बार में 1 बार नहीं। सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं अगर कांग्रेस और शिवसेना की बात करें, ऐसा लग रहा है कि विदर्भ की सीटों पर ही खींचतान चल रही है। उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, खींचतान का दौर अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कहेंगे विपक्ष से? देखिए, अभी उम्मीदवार ही नहीं है तो लिस्ट कैसे जाहिर करेंगे? बहुत सारी ऐसे सीटें हैं जहां पे कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसे सीटों पे उम्मीदवार ढूंढने के लिए शायद टाइम लग रहा होगा उन्हें। बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए 6 सीटें एससी और 4 सीटें एससी के लिए, तो वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को उतारा है। बीजेपी की लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका मिला है। इनमें 11 ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, तो विपक्ष की तरफ से अभी तक लिस्ट तो दूर, मीटिंग और अल्टीमेटम का दौर चल रहा है। कल उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तो अब आज महाविकास अघाड़ी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा होगी। हालांकि अभी भी उद्धव ठाकरे खुद को अघाड़ी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एमवीए में सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव शिवसेना में रार बरकरार है। बात अल्टीमेटम तक पहुंच गई है। रविवार को उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा है कि अगर 24 घंटे में कांग्रेस का जवाब नहीं आया तो ठाकरे सेना अपनी पहले लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन मैसेज पब्लिक में गलत ना जाए, इसके लिए संभावित कैंडिडेट को अभी से प्रचार करने को कह दिया गया है। अल्टीमेटम में शिवसेना ने मैसेज दिया है कि 24 घंटे में फैसला नहीं हुआ तो कांग्रेस के जवाब का इंतजार नहीं करेंगे। उद्धव की मांग है कि तीनों बड़े दल अघाड़ी में शामिल छोटे दलों को अपने अपने कोटे की सीटें देंगे। जितनी देर हो रही है, उद्धव की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस दिल्ली की ओर देख रही है। महाविकास अघाड़ी में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। कांग्रेस की बैठकें दिल्ली में हुई, तो मुंबई में आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। संजय राउत भी शरद पवार से मिले हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लटकाने और भटकाने वाले तौर तरीकों से बेहद नाराज है। मामला ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच विदर्भ और मराठवाड़ा की सीटों को लेकर बढ़ा है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में 28 सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस लोकसभा में परफॉर्मेंस को आधार बनाना चाहती है, जबकि शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर विदर्भ और मराठवाड़ा में सीटें मांग रही है। हालांकि एनसीपी शरद गुट का सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक थी, उसमें भी निर्णय लिए गए और उसमें 2-3 सीट के ऊपर चर्चा बाकी है, वो भी शिवसेना और राष्ट्रवादी करके फाइनल हम जाहिर करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर, हम इकट्ठा मिलकर बैठने वाली है,
कुछ सीटों के बारे में कांग्रेस और शिवसेना और या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में चर्चा चल रही है। एक अर्जेंट बैठक हमने बुलाई है उद्धव साहब ने, शिवसेना प्रमुख ने, सभी प्रमुख नेताओं की। हम मातोश्री में बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। अखाड़े के अंदर तनातनी के बीच उद्धव की सेना महायुति को नए नए तरीके से घेर रही है। उद्धव शिवसेना 150 विधानसभा सीटों का नया डेटा लेकर आई है। आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में जिसने अखाड़े को वोट दिया ऐसे 10,000 वोटरों के नाम हटवाए जा रहे हैं और नए नाम जुड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी संजय राउत के वोटर लिस्ट वाली नैरेटिव का जवाब दिया। बीजेपी कह रही है कि 23 नवंबर को महायुति ही जीत रही है, वो चुनाव हारने जा रहे हैं, किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया, मतदान किया। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पर। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। अब दिन भर कोई ब्रेड बटर चाहिए, दिन भर मीडिया का टीआरपी चाहिए करके संजय राउत बोलते रहते हैं। वो चुनाव जब हारता है आदमी या हारने की कगार पे रहता है तो कभी मशीन खराब रहती है, कभी मतदार यादी झूठी होती है। वो जीतते हैं तो मशीन अच्छी थी, वो जीतते हैं तो मतदार यादी अच्छी थी। हम अगर कल हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महायुति को जिताएगी, हमारी सरकार लाएगी, हमारी बहनें हमारी सरकार लाएगी, किसानों का बिजली हमने माफ किया, हमारी सरकार लाने का किसान प्रयास करेंगे और आगे के महाराष्ट्र के हित में डबल इंजन सरकार किसानों को चाहिए। देश को महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार रही कि मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री है और मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार अगर एक रही तो केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं चालू रहेगी, जो गरीब आदमी के लिए अनाज की योजना है, पीक बीमा योजना है, सारी योजना चालू रहेगी। उद्धव ठाकरे उनके अगर बगल बच्चे आ गए सारी योजना बंद करेंगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक से बढ़कर एक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, पहले ईवीएम को और अब वोटिंग लिस्ट में धांधली का मुद्दा बनाने की कोशिश है। लेकिन महायुति के खिलाफ लाई जा रही हर एक थ्योरी के कार्ड बीजेपी के पास है और उसका फोकस 23 नवंबर के नतीजों पर है।